क्लास ट्वेल्थ में चैप्टर नंबर 5, चैप्टर का नाम है डिटरमिनेट्स। डिटरमिनेट्स का टॉपिक स्टार्ट हुआ तो हमने एक्सपेंशन तक बता दिया आपको, अब हम बता रहे हैं आज माइनस एंड कोफैक्टर, माइनस और कोफैक्टर कैसे निकालते हैं। तो एक एग्जांपल बना रखा हमने 1, 2, 3, 4, 0, 6, 7, 1, 0, इसके हम माइनस निकाल के दिखाएंगे। तो माइनस का मतलब होता है उपसारणी, तो माइनस कैसे निकालते हैं, एम से तो डिनोट करते हैं, तो M11 मतलब पहले वाले का माइनस, M12 इसका माइनस, M13 इसका तीसरे नंबर वाले का माइनस, इस तरीके से M21, M22, M23, M31, M32, M33, ये हम 9 माइनस निकलेंगे इसके, जितने एलिमेंट होते हैं उतने ही माइनस निकलते हैं। तो माइनस निकालने का तरीका क्या है, हम ऐसे करेंगे कि पहले जैसे हमें M11 निकालना, हम इसको ले लेंगे, तो इससे जाने वाली, जाने वाला कॉलम और इससे जाने वाली रो, ये दोनों कैंसिल हो जाती है। तो जब ये दोनों कैंसिल हो जाएगी, तो अगर इसको कैंसिल कर दूं और इसको कैंसिल कर दूं मैं, तो हमारे पास कौन से एलिमेंट बचे, हमारे पास बचे 0, 6, 1, 0, ऐसा आएगा। फिर हम सेकंड नंबर पे इससे जाने वाली रो, इससे जाने वाला कॉलम कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेंगे 4, 7, 6, 0, 4, 7, 6, 0। अब तीसरे नंबर पे आओगे, तीसरे नंबर में मान लिया हमें इसके इसके कोफैक्टर को निकालना माइनस, तो ये वाला कैंसिल, ये वाला कैंसिल, तो ये बचेंगे 4, 0, 7। फिर हम अगले पे आओगे, इसको आ जाएंगे हम M21 पे, M21 में इससे जाने वाली रो कैंसिल, इससे जाने वाला कॉलम कैंसिल, तो हमारे पास बचेगा, हमारे पास 2, 3, 1, 0, 2, 3, 1, 0, M22 इसका नंबर आएगा। फिर हम इससे जाने वाली रो, इससे जाने वाला कॉलम कैंसिल, हमारे पास बचेंगे 1, 3, 7, 0, 1, 3, 7, 0। फिर हम M23 पाएंगे, M23 में ये वाली रो कैंसिल, ये वाला कॉलम कैंसिल, हमारे पास बचेगा 1, 2 और 7, 1, 1, 2, 7, 1। फिर इस तरह से ही M31 पे आओगे, तो ये वाले, ये वाली रो कैंसिल, ये वाला कॉलम कैंसिल, और ये बचेगा हमारे पास M31 में 2, 3, 0, 6, 2, 3, 0, 6, ऐसे M32 पे आओगे, तो ये वाली, ये वाला कॉलम, ये वाली रो कैंसिल हो जाएगी, ये वाला कॉलम, ये वाली रो कैंसिल, 1, 4, 3, 6, 1, 4, 3, 6, M33 पे आओगे, तो ये वाला कॉलम कैंसिल हो जाएगा, ये वाली रो कैंसिल हो जाएगी, 1, 2, 4, 0, 1, 2, 4, 0। फिर ये छोटे छोटे सारणी बना दिए हमने, छोटे छोटे डिटरमिनेंट्स बना दिए, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जीरो की जीरो में इनटू करी हूं, और माइनस के 6, 1 जा 6, ऐसे ही 4, 0 जा 0, 7, 6 जा 42, 4, 1 जा 4, 4, 7, 0 जा 0, ऐसे ही 2, 0, 0, 3, 1 जा 3, 1, 0, 0, माइनस के 3, 7 जा 21, 1, 1 जा 1, और 7, 2 जा 14, इस तरीके से 2, 3 जा 6, 2, 6 जा 12, 3, 0 जा 0, पहले इधर से करें हम सब में इनटू, 1, 1, 6 जा 6, माइनस 4, 3 जा 12, ऐसे इस तरीके से 1, 0 जा 0, 4, 2 जा 8। तो इसमें हम ये जो निकालते हैं हमने लो, ये निकालते हैं हमने माइनस, ऐसे ही निकालते हैं कोफैक्टर, कोफैक्टर में बिल्कुल अंतर का सेम रहेगा, देखो सारे सेम है, सेम सारे बिल्कुल सब सेम है, नो के नो, बस क्या फर्क है, इसमें हमें बाहर साइन लगाना होता है, और साइन लगाते हैं हम यहाँ प्लस माइनस प्लस, इस तरीके से प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस प्लस ये लगा देंगे, और सॉल्यूशन वही है जिस तरह अभी करा, तो बस ये बाहर इनके साइन आ जाएंगे। तो मैंने वो यहाँ से उठा लिया सॉल्यूशन, माइनस का 6 लिया मैंने, ये रहा माइनस का 6, यहाँ लिख दिया बाहर का साइन प्लस का, तो माइनस का 6 आ गया। इसका सॉल्यूशन हमने यहाँ पर रखा 42, माइनस के 42 अंदर आ जाएगा, और बाहर का माइनस जो तो प्लस का 42, तो बाहर वाले साइन लगा देंगे, तो एक कोफैक्टर आ जाएंगे। कोफैक्टर का जो हमारा मैट्रिक्स बनता है उसको हम सी से डिनोट करते हैं। इसके बाद एक टॉपिक है एडजॉइंट ए निकालना, तो एडजॉइंट ए निकालने में हम इसके रो जो होती है उसके कॉलम बना देंगे, इस रो का कॉलम बना देंगे, इस वाली रो का कॉलम बना देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा एडजॉइंट ए। तो यहाँ तक टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ।